नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त केएन मौर्या और आप देख रहे हैं अपना मन पसंदीदा यूट्यूब चैनल आज जहर मुक्त खेती। और आज हम बात करेंगे मिर्च की खेती में आने वाले रोग और उनका ऑर्गेनिक निदान कैसे हो सकता है, उस पर बात करेंगे। तो पहले तो हम ये जान लें कि मिर्च में कौन कौन से रोग आते हैं या कौन कौन से रोग आने की संभावनाएँ रहती हैं। मिर्च की खेती में पहला रोग आता है वो होता है उकठा, यानी पौधे जड़ से गलने लगेंगे। और उसकी पहचान ये है कि जड़ से पौधा जब सूखेगा तो उस पौधे को यदि आप उखाड़ के देखेंगे और उसकी जड़ों को फाड़ेंगे तो पाएंगे कि वो काले धब्बे बने हुए हैं, पूरा उसकी नसें जो अंदर की हैं वो काली हो जाती हैं। तो उसे हम कहते हैं सिस्टेमिक फंगस, वो सिस्टेमिक फंगस है या फिर फंगस लगी हुई है, वो जड़ आपका उखड़ गया। तो उसका कंट्रोल करना, यदि वो लग गया, आपने मिर्च की खेती लगाई है और वो लगा हुआ है, तो उसका कंट्रोल करने का तरीका है कि सिस्टेमिक फंगिसाइड आप ले करके स्प्रे करें। और आप सिस्टेमिक फंगिसाइड अच्छी मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है, सिस्टेमिक फंगिस से ही कभी कभी कंट्रोल में आता है और नहीं तो बड़ा मुश्किल होता है। इसके साथ साथ आप ज़मीन में बैक्टीरियल खाद, जैसे प्रीमियम नाम की बैक्टीरियल खाद आती है, ज़मीन में यदि आप ड्रिंच करते हैं तो उससे भी कुछ कंट्रोल होता है। इससे पहले कि वो रोग आपके खेत में आए, हम क्यों ना ऐसा करें कि उस रोग को खेत में ही कंट्रोल कर दें, ज़मीन में ही कंट्रोल करें। जब वो रोग आता है तो वो किसान को समय नहीं देता, आज दो पौधे, चार पौधे, छह पौधे सूखना एक तरफ से शुरू हो जाते हैं। तो उसका भूमि उपचार कैसे करके आप निदान पाएँ, इस पर मैं बात करूँ। तो जब खेत की जुताई करें, आप अंतिम जुताई करें खेत की, तो उस समय कोई मल्टीपल फंगिसाइड अपने खेतों में डालना ना भूलें। एक मल्टीपल फंगिसाइड बढ़िया 250 से 300 ग्राम प्रति एकड़ में आप डाल सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं अंतिम जुताई के बाद। यदि आप नहीं डाल पा रहे हैं या फिर ये अवेलेबल नहीं है तो मैं दूसरी दवा आपको बताऊं तो रूट गार्ड करके एक दवा आई है जो बहुत ही कारगर, किसानों ने जिसका बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट लिया है। उसके बारे में बात करूं तो रूट गार्ड 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जब मेड़ बनाएं या जब अंतिम जुताई करें तो वो डाल दें और उसके बाद बुआई कर दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये पाया गया है कि 50-60% जो जड़ जनित बीमारियां हैं उससे अधिक ही, 50-60% से ज़्यादा जड़ जनित बीमारियां स्वतः ही कंट्रोल हो जाती हैं। दूसरा बीमारी इसमें आता है लीफ कर्ल वायरस, यानी पत्तियां ऐसे चिंगुड़ने शुरू होती हैं। दो तरह के पत्तियां चिंगुड़ती हैं, एक तो जैसे ये पत्ता है ये ऊपर को फोल्ड होता है, जैसे देखेंगे ये ऊपर फोल्ड होता है, और दूसरा एक तो ऊपर फोल्ड होता है, दूसरा ये नीचे फोल्ड होता है। जैसे ही ये पत्ता ऊपर फोल्ड होने लगे आप ये समझ लीजिए आपके खेतों में सफ़ेद मक्खी का प्रकोप हो गया है। सफ़ेद मक्खी आपको दिखे न दिखे आप ये जान लीजिए, यदि पत्तियाँ ऐसे मुड़ रही हैं तो सफ़ेद मक्खी आपके खेत में आ गई है और सफ़ेद मक्खी की दवा आपको डालनी है। तो आपको क्या करना है, यदि कम पत्ते कम जो है ऊपर हो रहे हैं तो इसके लिए आप नीम के तेल का प्रयोग कर सकते हैं अमावस्या और पूर्णिमा के एक दिन बाद या उसी दिन, अमावस्या और पूर्णिमा के एक दिन बाद या उसी दिन ही स्प्रे कर सकते हैं। नीम का तेल जब भी स्प्रे करें तो प्रयास ये करें कि उसमें स्टिकर और एक्टिवेटर मिलाना ना भूलें। बहुत ही सस्ता स्टिकर और एक्टिवेटर मार्केट में अवेलेबल है, उसे मिलाने का मतलब ये है कि दवा पे पत्तियों पे दवा चिपकेगी और जिस दवा को आप पत्ते के पीछे नहीं स्प्रे कर पाते हैं वो दवा पत्ते के पीछे भी ले जाएगी, जहाँ कीटाणु होता है उसे मारेगी। अब व्हाइट फ्लाई की बात करें तो व्हाइट फ्लाई को लेकर के मार्केट में बहुत सारी दवाएं हैं, लेकिन ऑर्गेनिक में बात करूं तो वायरोहिट प्लस, जहां अच्छी अच्छी दवाएं व्हाइट फ्लाई को 3-2 दिन रोक पाती हैं, वैसे ही अर्बोमाइट इसको वायरोहिट प्लस को देखें तो हमने ये देखा है कि 7-8 दिन, कहीं कहीं तो 15 दिन तक व्हाइट फ्लाई आपके खेतों में नज़र नहीं आती है, व्हाइट फ्लाई नहीं लगती है। आप इसका भी प्रयोग ट्रायल के रूप में 1-2 ml प्रति लीटर, यदि कम है तो 1 ml और ज़्यादा है तो 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से इसका स्प्रे कर सकते हैं, तो व्हाइट फ्लाई कंट्रोल होगा। इसके बाद व्हाइट फ्लाई कंट्रोल होगी तो लीफ कर्ल वायरस में आपको जो है कंट्रोल करने में आसानी मिलेगी। यदि आपके पत्ते नीचे मुड़ रहे हैं, जैसे ये प्लांट है और पत्ते नीचे मुड़ रहे हैं तो क्या करना है, यदि प्लांट नीचे मुड़ रहा है, पत्तियां नीचे मुड़ जा रही हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपके खेत में रस चूसने वाला कीट लगा है। रस चूसने वाला कीट लगा है तो इसके साथ ही रस चूसने वाले कीटों की दवा यदि आपके पास अवेलेबल हो तो उसे डालिए। नीम के पत्तों से और नीम की फलियां इस समय उसे भी बना लेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो आपको दे दूंगा कैसे बना सकते हैं उसको घर पे, या नहीं कर सकते हैं तो मार्केट में अर्बोमाइट वायरोसोल
दो दवाएं आती हैं उसके साथ नीम का तेल और स्टिकर मिला करके डालते हैं तो ये रोग आपका जो नीचे रोग होता है ये कंट्रोल होता है। हमेशा एक चीज़ का याद रखिएगा मित्र, यदि आप किसान हैं और खेती कर रहे हैं तो हमें ऑर्गेनिक दवाओं का यदि बेस्ट परिणाम चाहिए तो हमें थोड़ा सा एडवांस होना पड़ेगा। यदि हमने देखा कि 5% 7% खेतों में बीमारियां हैं या खेतों में पत्ते मुड़ने शुरू हो गए हैं तभी हमें नीम का तेल का स्प्रे करना होगा, या वाइट फ्लाई हमें दिख जाए तभी हमें वायरोहिट प्लस का प्लस दवा का स्प्रे करना होगा। यदि आप काफ़ी लेट कर देंगे और ये बीमारी 15-20% से ज़्यादा हो जाएगी तो फिर ये कंट्रोल नहीं होगा। तो इस तरह मित्रों ये थी कुछ मिर्च के खेतों में आने वाली रोग। और एक होता है आता है इस पे फंगस, जिसमें ब्लाइट जिसे बोलते हैं, पत्तियां काली होकर के बिल्कुल मुड़ सी जाती हैं या फिर सूखने लगती हैं। तो इसके लिए आप कांटेक्ट फंगिसाइड, दो तरह के फंगिसाइड अवेलेबल हैं, एक मल्टीपल फंगिसाइड और एक सिस्टेमिक फंगिसाइड। सिस्टेमिक और कांटेक्ट अलग अलग हैं और यदि आप प्रयोग करते हैं तो बहुत सी कंपनियां सिस्टेमिक और कांटेक्ट को एक ही साथ देती हैं, लेकिन मैं एडवाइज करूंगा कि आप यदि खेती कर रहे हैं तो ऐसा ना करें, सिस्टेमिक को अलग डालें कांटेक्ट को अलग डालें, 7-7 दिन का अंदर रखें ताकि आपका फंगस हैबिचुअल ना हो और फंगस कंट्रोल हो। यदि आप ऑर्गेनिक डालना चाहते हैं तो पावर प्लांट फंगिसाइड आपके लिए एक बहुत बढ़िया विकल्प हो सकता है, जो आपके एक तो मल्टीपल फंगिसाइड है और आपके खेतों में फंगस को कंट्रोल करता है, और फंगोइड जो सिस्टेमिक फंगिसाइड है ये भी आपके खेत में फंगस को कंट्रोल करेगा। कोई दिक्कत होती है आप हमें हमारे नंबर 9236114711 यानी 9236114711 पे फ़ोन कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी अपना नंबर दे दूंगा। यदि फिर भी कोई दिक्कत होती है तो बेहिचक आप हमें 10 से 5 बजे सुबह 10 बजे और शाम को 5 बजे के बीच में जब चाहे फ़ोन करिए, मैं प्रयास करूंगा कि आपकी समस्याओं का निदान हो। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।